मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। ब्यावर रोड दयानंद महाविद्यालय के सामने डिवाइडर पर लगा विद्युत पोल दे रहा है हादसे को निमंत्रण। डिवाइडर क्षतिग्रस्त होने के साथ रोड लाइट का पोल भी अपनी जगह से हिला। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। ब्यावर रोड डीएवी कॉलेज के सामने डिवाइडर पर लगा रोड लाइट का खंभा कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। कॉलेज के डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि वह इस खंभे के लिए संबंधित एजेंसियों सहित राजस्थान पोर्टल के 181 पर भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले एक माह से यह पोल धीरे धीरे एक ओर झुकता जा रहा है, जो कभी भी बड़े हादसे का सबब बनेगा। हाँ सर, किस तरह खंभा हादसे को नजर? पिछले एक महीने से मैं सभी एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों को इस बात से अवगत कराने का कोशिश कर रहा हूं, और मैंने 181 पे भी, राजस्थान हेल्पलाइन पे भी जो इसकी शिकायत की थी, लेकिन वहां पे भी ढुलम ढुल रवैया है। और ये जो पीछे आपको पोल दिखाई दे रहा है, ये पोल किसी न किसी दिन किसी के बड़े हादसे को न्योता देगा। और ये इतना भारी पोल है कि अगर नीचे कोई बस या कोई छोटी गाड़ी जा रही है तो सभी के सभी इसकी चपेट में आ सकते हैं। साथ ही बिजली के तार हैं, करंट आ गया तो और हादसे को और बढ़ा देगा ये पोल। इसकी शिकायत मैंने कई बार कर रखी है, लेकिन कोई भी अधिकारी, यहाँ से हज़ारों अधिकारी प्रतिदिन गाड़ियाँ और अधिकारी भी निकलते ही होंगे, क्योंकि ये मेन हाईवे है, डीएवी कॉलेज के सामने है, और पैदल जाने वाले लोग, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, ऑफिस में जाने वाले लोग, हज़ारों लोग प्रतिदिन यहाँ से निकलते हैं, लेकिन कोई अधिकारी इतने मौन हैं कि उन्हें इस बड़े हादसे का इंतज़ार है, और शायद वो इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी दिन ये पोल गिरे और हादसा हो और एक दो की जान जाए। तो मेरा आप मीडिया के माध्यम से ये आग्रह है कि अधिकारी इस बात को थोड़ा सा सावधान, इस बात को थोड़ा चिंताजनक रूप से लें और इस पोल को तुरंत ठीक कराएं, नहीं तो ये बहुत बड़े हादसे को जन्म देगा। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। वहीं कॉलेज छात्र संघ महासचिव प्रमोद सिंह चौहान ने बताया कि स्मार्ट सिटी अजमेर कागजों में बनने जा रहा है। हकीकत में यहां कोई भी एजेंसी काम करती हुई नजर नहीं आती। सड़कें जगह जगह से खुदी पड़ी हैं, वहीं विद्युत व्यवस्था भी बेहाल है। डिवाइडर टूटे पड़े हैं, खंभे गिरने की कगार पर हैं। हाँ भैया बताइए किस तरह से? ये कॉलेज के सामने का जो ये पोल है, ये काफ़ी समय से ऐसे झुका हुआ है और बड़े हादसे को ये न्योता दे रहा है। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो गवर्नमेंट क्या इसका जिम्मेदारी लेगी क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से या नगर निगम से, अजमेर के सभी क्षेत्रवासियों से। यहाँ कॉलेज है, डीएवी कॉलेज, यहाँ हज़ारों बच्चे रोज़ आते हैं पढ़ने के लिए और आवाजाही काफ़ी रहती है यहाँ सड़क पर। इसके बावजूद भी प्रशासन किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर काफ़ी मुसीबतें देखने को मिली है और जहाँ तक हो सकता है रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, कहीं इसके टच होते हैं तो किसी को करंट आ गया, कोई मर जा, तो ऐसा कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा करवाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसे का हो सकता है। क्या मानते हो, स्मार्ट सिटी बन रहा है अजमेर और स्मार्ट सिटी में इस तरह के पोल देखने को मिल रहे हैं जो गिरते हुए नजर आ रहे हैं?
इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो अजमेर कभी तरक्की कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रशासन को पूरी तरीके से फोकस करना होगा, अपना काम करना होगा सही तरीके से। ये पोल इस तरीके से अगर रहेगा, काफ़ी जगह अजमेर में दिक्कतें भी महसूस की जा रही है, अगर प्रशासन सही तरीके से काम करेगा तो अजमेर ज़रूर एक दिन स्मार्ट सिटी बनेगा, पर अभी नहीं। मेरे अंदाजे से मैं स्मार्ट सिटी की गिनती में अजमेर को नहीं गिनूंगा अभी।